टाटा भूली मार्क पे 96 क्यों कहा जाता है जीवन हो या फिर खेल का मैदान हो कम बैक करना जरूरी है कि ये डाउन द ग्राउंड ही जाएंगे 76 को खेला है 85 kilometers. Kamal defending. Behtareen save yahan pe. Rupam. Chhe ball 17. Aur bilkul jersey bhi. 85 kilometers. Pehli gend. Mate na tayar par. Yorker ke sath start kiye hain lekin Usman bhi wo pehle hi pad liye the is gend ko. Thoda safal karke aage aaye the. Across the line khelna chahte the. पहली गेंद से डॉट बॉल फिर एक बटाटा सामने उस्मान बेहतरीन यकीन लेकिन उस्मान ये प्रेशर में नहीं आएंगे उस्मान जानते हैं वो काबिलियत है वो कैपेबिलिटी है लेकिन टाटा की है ध्रुव आप भी जानते हैं प्रीवियस सीजन में ये लकी चार्म माने गए थे और बिल्कुल ये एग्रेशन देखिए ये बातचीत देखिए वार्तालाप देखिए उस्मान बनाम रिशु ये हम पहले भी देख चुके हैं याद करिए दुर्गापुर चैंपियंस ट्रॉफी अभी कुछ महीने के अंदर मतलब कुछ दिनों के अंदर आ रही है वापस दुर्गापुर चैंपियन ट्रॉफी का ये शॉट उस्मान ने आपको बैक किया है स्ट्राइक पे उस्मान ओवर का अगला गेंद राकेश आप कीजिएगा टाटा भोली मार्क पे 76 और एक बिंदी गेंद सीधा शॉट यहां पर रोकने में नाकामयाब मिल जाएगा चौका चलिए दो बाउंड्री आखिरी गेंद स्ट्राइक पे उस्मान 77 किलोमीटर टाटा ने अपने नाम किया है और क्यों मैं कहता हूं टाटा एक्सप्रेस ये हॉल्ट नहीं देता है ये सीधा एक्सप्रेस गति के साथ डेस्टिनेशन पर जाकर रुकता है पहले ओवर की समाप्ति एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के राकेश ने दो दो ओवर किया था अपने टीम के लिए क्या यहां पर सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला में टाटा दो ओवर करेंगे ये देखना जरूरी है ध्रुव सबसे इंपॉर्टेंट 71 kilometers per hour डॉट बॉल के साथ स्टार्ट करेंगे मास्टर नाम मास्टर है ये शिक्षा देना पसंद है इनको शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं गेंद के साथ सामने बुआ तो भाई फ्रॉम दुर्गापुर विस्फोटक बुआ ब्लाइंड बुआ बैट के साथ 88 kilometers एक बार देखिए और एक अच्छी गेंद और एक डॉट बॉल दो डॉट बॉल लगातार बिल्कुल यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेटेड होते हुए यहां पर बुआ क्या यहां से अपने टीम के लिए फ्रंट फुट पे आ पाएंगे चौका जोड़ पाएंगे उस्मान और बुआ बुआ को देखते हैं डिसीजन क्या आता है क्या कसम को ये मैच लगभग 700 प्लस लोग दिमाग का मास्टर
90 kilometers per hour. क्यों कहा जाता है जीवन हो या फिर खेल का मैदान हो कम बैक करना जरूरी है। बुआ ने कम बैक किया है। पहली तीन गेंद से एक चौका। कहीं ना कहीं लोगों का जो क्रेज देखी है, लोगों का ये क्रेज है। और मोबाइल फोन देखेंगे ना, हर कोई अपने आंखों से देख रहा है लेकिन हाथ में मोबाइल फोन लेके देख रहा है। सिर्फ इसे फ्रेम करना। चलिए पहली चार गेंदों से एक चौका। रन संख्या 12, 12 विदाउट लॉस। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए ऊपर का अगला गेंद। 16 लगता कि ये डाउन द ग्राउंड ही जाएंगे, ये क्लास को निकालेंगे, ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड जब करते हैं ना तभी ये डाउन द ग्राउंड जाते हैं। बुआ यू ब्यूटी। लेकिन ध्रुव एक चीज देखिए, मास्टर बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे। प्रीवियस गेंद में फील्डर वही के था, उन्होंने फील्डर को हटाया, बुआ सीधा खेले। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है मैच्योरिटी। फिर एक बार बुआ। 76 kilometers per hour. रिव्यू अवेलेबल है। সমস্ত স্পন্সর দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। শুরুতেই রতনদা টি স্টল এক চুমুকে কি লিখেছে ওরা চ্যারেট, রতনদা মানে এক চুমুকে চ্যারেট, রতনদা টি স্টল। टाटा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और सामने उस्मान पहला गेंद। 77 kilometers per hour का इशारा एक्स्ट्रा के तौर पर, एक रन सीधा स्कोरबोर्ड पर। व्हाइट बॉल 12 गेंद 25 रन उस्मान। सामने टाटा। शानदार फील्डिंग मौका बन सकती है लेकिन गलती किया यहां पर। 76 में जाकर इस शॉट को खेला है, गजब का ये शॉट। और नसबगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से बैकफुट में बॉडी वेट को ट्रांसफर करके स्क्वायर कट खेलते हैं, कुछ उसी तरह से स्क्वायर कट खेला है उस्मान ने। चलिए बी क्विक प्लीज। चलिए उस्मान स्ट्राइक पर एक और बार मौजूद है टाटा एक्सप्रेस बोली मार्क पे। क्या यहां से किस तरह का एक्सपीरियंस झोंकेंगे टाटा, क्या है यहां पर उस्मान एक और बार चौका लगाएंगे, ये देखना जरूरी है। स्ट्राइक पर उस्मान। 82 kilometers per hour. लाल मिट्टी से आने वाला यह लड़का मानो जॉन्टी रोड्स बन गया है, शरीर को फेंका है। क्या कमाल की फेंक, क्या कमाल की फील्डिंग एफर्ट। चीते की चाल, बाज की नजर और रुपम की फील्डिंग एफर्ट पर कभी संदेह नहीं करते हैं। उस्मान के पास भी मोमेंटम है। 87 kilometers per hour. उस्मान के पास भी मोमेंटम है।
इंडिपेंडेंस के यादों में मानो हम स्वाधीन भारत के और स्वाधीन भारत के नागरिक होने के हिसाब से उस्मान ने सैल्यूट किया है बाजू वाली टीम की समर्थक को। ये उस्मान की सेंस ऑफ ह्यूमर है। आजकल के जमाने में ना हम और बिल्कुल जर्सी भी यहाँ पर रियल मद्रिद का पहना है। बड़ा मुकाबला स्लेजिंग चलेगा, स्लेजिंग चलेगा। चलिए छह पे 13 स्ट्राइक पर रंजित गोप 84 किलोमीटर्स पर आवर रनआउट का चार। चलिए क्लोज को पहले गेम डॉट बॉल सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए उस्मान खुद आया है स्ट्राइक पर। तो क्या लगता है 5 गेंद 12 रन स्ट्राइक पे उस्मान एवरीथिंग लेना चाहते हैं। अभी अभी क्रीज में आए हैं, एक कप्तान के रूप में ना कप्तान गेंद को समझते हैं फिर वो कप्तान बनते हैं। और लीडर कौन होता है? जो अपना खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग जोन, अपना खिलाड़ी का वीक जोन को जानता है वो कप्तान कहलाते हैं। तो बबलू जानते हैं उस्मान का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और बबलू का खुद का वीक जोन क्या है। अभी देखेंगे ना बॉलीवुड के 5 पे 12 उस्मान ने नींद में भी सोच रहे हैं इस गेंद को क्या मिस किया है यहाँ पर उस्मान ने। बिल्कुल बल्ला चेंज कर रहे हैं, पिछले गेंद में भी बल्ले को चेंज किया था, देखना पड़ेगा यहाँ पे भी बल्ले को चेंज करते हुए उस्मान। 4 गेंद 12 रन जो उस्मान को जानते हैं ये जो खेलने के लिए आते हैं ना टीम में 3-3 बल्ला लेके आते हैं। 4 पे 12 स्ट्राइक पे उस्मान। So, यहाँ पे उस्मान ने चौका लगाया है, ऊपर आसमान और नीचे उस्मान, मिलेगा 4 रन। ऊपर आसमान नीचे उस्मान पहलवान, ये कही है उस्मान पहलवान बनते हुए बैट के साथ। 4 में 12 चाहिए था, अब 3 में 8 चाहिए। मुकाबला कड़क है, एक तरफ भैया उस्मान 3 बॉल 8 रन सामने कौन राकेश कुमार। उस्मान निराश होंगे, निराश होंगे उस्मान। टाइमिंग उतना प्रॉपर नहीं था, पावर को जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन सबसे अच्छी चीज अरे साइड कैमरा है, साइड कैमरा देखो। चलिए देखते हैं यहाँ से डिसीजन क्या आएगा। दर्शकों में बिल्कुल उल्लास मौजूद है, इस मैच को सभी एंजॉय कर रहे हैं। अगर उस्मान ये गेंद पे सिंगल मिलेगा तो 7, नहीं तो 8। बिल्कुल नॉट आउट की संकेत आई है। 2 गेंद 7 रन 2 बॉल 7 रन क्या मैच हम देख रहे हैं, क्या मैच हम देख रहे हैं मानो कोलकाता की टक्कर। सामने राकेश, सीधा शॉट यहां पे, कदमों का इस्तेमाल, लाइन को पिक किया है, हाई एंड हैंडसम। एक बार सभी मिलकर आवाज हो जाए, कम ऑन एवरीवन, बिग एस टुगेदर, एक बार जोर से ताली हो जाए, कम ऑन एवरीवन। मैंने ये कार्य तो कर चुके हैं इससे पहले बहुत बार। सामने प्रिंस कुछ बातचीत करते हुए, फील्डिंग प्लेसमेंट देखिए, एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, गली स्लिप के साथ मुकाबला को जीत लिया है फील्डिंग टीम ने। प्रिंस मैक्सवेल ब्रिगेड भैया, पहाड़ की चोटी में पहुंचने के लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन ये रास्तों को ढूंढा है। जो सैल्यूट उस्मान ने किया था, सैल्यूट के बाद देखे गले मिल रहे हैं, यही तो क्रिकेट है।
इसी दिन को देखने के लिए ही तो मैदान में आते हैं एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए। क्रिकेट सही मायने में आज एक अलग सा मोड़ दिखाया है, अलग सा जुनून दिखाया है। सेलिब्रेशन देखिए अंतिम पड़ाव में। और बिल्कुल क्यों कहा जाता है, क्रिकेट कभी रुलाता है तो कभी हंसाता है, क्रिकेट कभी इतिहास बनाता है तो क्रिकेट कभी इतिहास रचता है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सभी व्यूअर्स का। तो चलिए यहां से दो फाइनलिस्ट टीम ऑलरेडी मिल चुका है इस मैच के लिए, लेकिन कमाल का ये फाइट, कमाल का ये मुकाबला।